सर ये इफ्तारी का एहतमाम आप कब से करवाते हैं? अबाउट 25-26 साल हो गए। 25 साल से मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। बहुत से लोगों ने सुना था कि यहाँ तो JDC करवाते। नहीं, JDC बिल्कुल भी नहीं करवाती, और लोग चंदा जो है ना JDC को दे रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? हारून वयानी। सर ये इफ्तारी का तमाम आप कब से करवा रहे हैं? तकरीबन अबाउट 25-26 साल हो गए। 25 सालों से आप लोग यहाँ पे इफ्तारी? जी बिल्कुल, इसी जगह पे। इसी जगह पे। बहुत से लोगों ने सुना था कि यहाँ तो JDC करवाते। नहीं, JDC बिल्कुल भी नहीं करवाती। मैं आज आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ ना, इसकी वजह यही है कि मुझे बोलना पड़ा। 25 साल से मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। पहला इंटरव्यू दिया था फर्स्ट वाइस ऑफ अमेरिका को, इसके बाद मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। ये अब मेरी मजबूरी बन गई है कि क्योंकि मेरे नाम के साथ JDC इस्तेमाल हो रहा है, और लोग चंदा जो है ना JDC को दे रहे हैं, कि ये समझ के इफ्तारी भी ये करवाते नहीं। ये तकरीबन 1800 से 2000 आदमी की इफ्तारी होती है। ये हमारे थाल लग रहे हैं, आप ये इसकी वीडियो ले लें पूरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 65 लाख रुपये पे इस वक्त इफ्तारी हो रही है। तो ये फर्स्ट रमजान से एंड के रमजान तक 28 रोजे तक होती है। पहले रोजे से लेके 28 रोजे तक। तो यहाँ पर जो JDC वगैरह के बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं वो बस ऐसे? हाँ, भले लगे हुए हैं, अच्छा है ना, किसी का भला तो होता होगा यार। अब लोग आते हैं हमारे पास पर्चियाँ लेके, वो मोटरसाइकिल, मैंने बोला मोटरसाइकिल वाला चला गया भाई, हमारे पास तो मोटरसाइकिल नहीं है। तो मोटरसाइकिल निकल रही थी, खुदा बेहतर जाने पड़ी हुई थी। यहाँ 3 करोड़ की आवाम है, 10 मोटरसाइकिल। तो यहाँ पर जो अभी आप कह रहे हैं कि ये मोटरसाइकिल वगैरह सब आज ही हटी हैं? हाँ, सब चले गई ना, वापस बिक गई है, पता नहीं क्या होगा। ये है क्योंकि जब मैं अंदर आ रही थी तो यहाँ लोगों ने बोला कि यहाँ JDC का होता है, तो फिर वो जो पुलिस वाले और लोग बैठे हुए तो वो बता रहे हैं कि यहाँ तो JDC चले गए। नहीं, हमें तो वैसे भी बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मजबूरी बन गई है। बहुत से दो सवाल करते हैं कि हारून भाई वहाँ तो JDC का लगा हुआ, आप हमें वहाँ बुला रहे हैं। मैंने बोला वो ये वही जगह है जहाँ मैं आपको बुला रहा हूँ। यहाँ पर ये बताइए कि कोई नाम है, कितने लोग हैं आप लोग? दोस्त यार हैं, मिलकर करवाते हैं, तो कोई नाम रखा? कोई नाम नहीं है, बस हारून ग्रुप समझ लो, किसी का नाम अच्छा नहीं लेता ना। जैसे यहाँ गुल सिटी वालों का लगा हुआ था, जो अभी KFC का लगा हुआ है कि KFC दे रही है खाना, ये दे रही है, हमें नहीं पता कहाँ से हमारे पास पैसा आता है, अल्लाह भिजवाता है। क्योंकि आप लोग इतना जाहिर सी बात है लोगों का रोजा इफ्तार करवाते हैं, तो अल्लाह की तरफ से तो फिर इसमें खुद ही बरकत आ जाती है। खुद बरकत आ जाती है, बिल्कुल नाम लेना जरूरी तो नहीं होता।